आइए दोस्तों, आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों के साथ चर्चा करते हैं स्टॉक मार्केट के और रिटेल इन्वेस्टर्स के बारे में। ऐसा इंटरेस्टिंग डेटा जो आपको एज अ इन्वेस्टर या फिर एज अ ट्रेडर मालूम करना बेहद ज़रूरी है और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन पता रहनी चाहिए। आइए वीडियो के साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहें। सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर दीजिए। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं कि स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। भारत की काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनीज हैं जो स्टॉक मार्केट में लिस्ट हैं। आप उन कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करके अपना पैसा बढ़ा सकते हैं अगर आप सही तरीके से निवेश करते हैं। कई बार बहुत सारे लोगों का पैसा डूब जाता है, उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि शायद उन्होंने कुछ गलत यहाँ पर तरीके से काम किया है, या फिर यूँ कहें कि सही तरीके से मार्केट को नहीं समझा है, या किसी ऐसे स्टॉक में पैसा लगा दिया है जो स्टॉक उतना अच्छा नहीं है, तो कई बार पैसा लोगों का डूब भी जाता है। लेकिन यहाँ पर जो लोग पैसा लगाते आए हैं, जो मार्केट को सही तरीके से समझते हैं, वो मार्केट को समझ कर काफ़ी सारा पैसा कमाते भी हैं। अब यहाँ पर मार्केट में पैसा लगाने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बेहद ज़रूरी है, और डीमैट अकाउंट के जरिए ही आप किसी भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो चाहे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, आप खरीदारी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराना है। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके आज ही अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो खबर है ये डीमैट अकाउंट से जुड़ी हुई ही खबर है। आज से कुछ समय पहले आप सभी लोग जानते हैं कि भारत के बारे में ये बात हमेशा से कही जाती रही है कि भारत में सिर्फ 2 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट हैं, या फिर यूं कहें कि कुछ लोगों का कहना था कि 2 करोड़ से 2.5 करोड़ डीमैट अकाउंट हैं भारत में। लेकिन आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि 2019 तक ये डेटा इतना ही था जितना आप सुनते आ रहे थे। बिल्कुल गलत डेटा नहीं था, बिल्कुल यूं कहें कि उसके आसपास का ही ये डेटा बताया जाता था, और कुछ ऐसा ही डेटा था कि 2 करोड़ से 2.5 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट थे। कुछ लोगों का कहना है कि शायद से 4 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट थे। तो 4 करोड़ डीमैट अकाउंट अगर आप मान लें उस टाइम तक कि 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे, तो आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आज की डेट में जो डीमैट अकाउंट हैं वो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास हैं। 2019 के आसपास जो 4 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट थे, आज की डेट में वो तकरीबन 10 करोड़ के आसपास हैं। मात्र 2 से 3 सालों में ये डीमैट अकाउंट का डेटा इतनी तेजी से बढ़ा है कि इसने पूरे के पूरे मार्केट के नक्शे को बदल दिया है। अब यहां पर देखिए, पहले मार्केट को चलाने में सबसे बड़ा हाथ रहता था FIIs का, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का, उसके बाद DIIs का। रिटेल इन्वेस्टर की कहीं गिनती नहीं आती थी क्योंकि लोगों का यह मानना था कि रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में किसी तरीके का कोई योगदान दे ही नहीं सकते, क्योंकि 1,000, 2,000, 10,000 लगाने वाले लोग क्या योगदान देंगे। लेकिन आज की डेट में ये पूरी की पूरी जो कहानी है वो बदलती नजर आ रही है। आज की डेट में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जहां पर प्रमोटर से ज्यादा, FII से ज्यादा, DII से ज्यादा आपको पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिलेगी, और वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो स्टॉक बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि अब जो रिटेल इन्वेस्टर पहले दबा कुचला सा था, जिसकी कोई वैल्यू नहीं समझी जाती थी, आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स इतने ज्यादा हो चुके हैं मार्केट में कि वो बहुत सारा पैसा मार्केट में लगा रहे हैं। और यही चीज आपको यहां पर समझनी है। देखिए, डीमैट अकाउंट जैसे जैसे बढ़े हैं वैसे वैसे मार्केट में जो मोनोपोली टाइप की चीजें थी, जैसे कि FIIs ने पैसा निकाल लिया तो मार्केट में गिरावट शुरू हो गई। अभी आप लोगों ने देखा, बीते कुछ समय पहले मार्केट में FII जबरदस्त तरीके से बिकवाली कर रहे थे, जबरदस्त तरीके से। आए दिन सुनने को मिल रहा था कि 5,000 करोड़ का माल बेच दिया, 6,000 करोड़ का माल बेच दिया, 10,000 करोड़ का माल बेच दिया। वहीं मार्केट को सिर्फ और सिर्फ DIIs ने और जो आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हम और आप जैसे ऐसे रिटेल इन्वेस्टर्स ने मार्केट को संभाल के रखा, मार्केट को ज्यादा गिरने नहीं दिया। जबकि अगर यही चीज जो 4 करोड़ डीमैट अकाउंट थे तब देखने को मिली ही रहती, तो शायद से मार्केट वापस से फिर 15 से 20-25% टूट चुका होता। लेकिन मार्केट को टूटने नहीं दिया गया। यहां पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिला DIIs का
और रिटेल इन्वेस्टर्स का। लेकिन एक चीज समझिए कि क्या इससे हम ये समझ लें कि DIIs और रिटेल इन्वेस्टर्स मिलकर मार्केट को चला सकते हैं, FIIs की जरूरत नहीं है, तो ऐसा भी नहीं है। क्योंकि देखिए एक कहानी आप समझिए, छोटी सी कहानी है कि अगर आप एक चाय बनाना चाहते हैं टी, तो उसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स का होना ज़रूरी है। सेम ऐसे ही आप यहाँ समझ लीजिए, हालांकि ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये एग्जाम्पल कनेक्टेड ही नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ ये समझाना हम चाह रहे हैं कि एक इकोनॉमी में विदेशी पैसा, देश का पैसा, जो खुदरा बाजार है वहाँ से जो लोग आ रहे हैं उनका पैसा, जब सबका पैसा लगेगा और सब लोग मिलकर जब यहाँ पर पैसा लगाएंगे तो मार्केट और तेज़ी से जाएगा, तो यहाँ पर सब लोग मिलकर कमा सकते हैं। तो यही वो चीज़ है कि इकोनॉमी में ग्रोथ जो है साथ मिलकर चलने में आएगी। अब ऐसा नहीं है कि रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर ज़्यादा हो गए तो भाई DIIs को अब निकाल दिया जाए या वो पैसा लगाना बंद करते हैं, ऐसा नहीं है, फिर तो मार्केट वहीं पहुँच जाएगी जहाँ पर थी घूम फिर के। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े हैं ये और बढ़े, और इस तरीके से FIIs पैसा और लगाते जाएं, DIIs और लगाते जाएं, तो इससे मार्केट में जो रिजिलेंस है, जो मार्केट में बीयर्स के कंपैरिजन में जो मार्केट को रोकने की ताकत है वो बढ़ेगी। मार्केट किसी दो चार लोगों के डायरेक्शन या उनके बेच देने से एक डायरेक्शन में नहीं भागने लगेगा। मार्केट में अलग अलग जब ब्रेंस रहेंगे तो वो अलग अलग तरीके से काम करेंगे, और यहाँ पर किसी दो चार लोगों की वजह से मार्केट भागने या मार्केट गिरने नहीं लगेगा, जो पहले बहुत सालों तक ऐसा देखने को मिला है कि कुछ लोगों की वजह से मार्केट या तो चल पड़ता था या फिर कुछ लोगों की वजह से मार्केट गिर पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में देखने को नहीं मिलेगी, और इससे सभी को एक तरीके का बेनिफिट भी देखने को मिल सकता है। तो अभी का जो ये डेटा है वो डेटा ये बताता है कि तकरीबन 10 करोड़ के आसपास डीमैट अकाउंट्स ओपन किए जा चुके हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 2020 से ये डेटा दिखाया जा रहा है, और 2020 से इस डेटा को देखकर आप अंदाज़ा लगाइए कि मार्च में, उसके बाद जून में, सेप्टेम्बर में, दिसंबर में, मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में और ये मार्च में, देखिए ये डेटा कितनी तेजी से बढ़ा। ये डीमैट अकाउंट का डेटा है। ओवर 2 मिलियन न्यू अकाउंट्स एडेड एवरी मंथ सिंस 2020। एक्टिव डीमैट अकाउंट्स, ये एक्टिव डीमैट अकाउंट्स की बात कर रहे हैं हम। हालांकि डोरमैट अकाउंट्स तो बहुत सारे, जो अकाउंट्स ओपन होते हैं और यूज नहीं होते बहुत सारे खुलते हैं, लेकिन एक्टिव डीमैट अकाउंट्स 2 मिलियन यहां पर ओपन हो रहे हैं हर महीने। मतलब कि 20 लाख नए कस्टमर्स यहाँ पर हर महीने जुड़ रहे हैं स्टॉक मार्केट से। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी बात है। आप क्या समझते हैं इस मामले में, और आपको क्या लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट को आने वाले दिनों में भी संभाल सकते हैं? क्या इस कैपेबल हैं आपके रिटेल इन्वेस्टर्स? नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आज ही अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं। अगर आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर दीजिए। इस वीडियो को जहां तक हो सके वहां तक सबके साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और हमारी आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस को आसानी से पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर दीजिए। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं कराया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आज ही अपना डीमैट अकाउंट जरूर ओपन कराएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।